माता पिता को लगता है कि उनकी संतान ने गलत किया और संतान को लगता है कि यदि उसके माता पिता पहले उसके विवाह के लिए मान गए होते तो ऐसा नहीं होता, इसलिए गलती उसके माता पिता की है। दोनों ही अपनी जगह सही भी हैं और गलत भी। यह कहना बहुत ही सरल है कि यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से विवाह करना चाहते हैं तो अपने माता पिता की सहमति के लिए उनसे बात अवश्य करें, है ना? अब कुछ के तो माता पिता अपनी संतान की इच्छा अनुसार उसका विवाह कराने को तैयार हो जाते हैं, परंतु कुछ के माता पिता प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होते। ऐसे में फिर वो संतान क्या करती है? आप में से काफियों को इसका उत्तर पता होगा। आज के समय में वह संतान भागकर शादी कर लेती है। ऐसा करने पर वह अपने परिवार से नजरें नहीं मिला पाती और उनके परिवारों की बदनामी होती है वो अलग। माता पिता को लगता है कि उनकी संतान ने गलत किया और संतान को लगता है कि यदि उसके माता पिता पहले उसके विवाह के लिए मान गए होते तो ऐसा नहीं होता, इसलिए गलती उसके माता पिता की है। दोनों ही अपनी जगह सही भी हैं और गलत भी। आपने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि मुझे उस व्यक्ति से प्रेम है और मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ, जो जब पूरी नहीं हुई तो आपने भाग के शादी कर ली। क्या आपका प्रेम इतना कमजोर था कि किसी के मना करने पर आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा? आपने प्रेम का दावा तो कर दिया पर इस प्रेम की शक्ति को जान ही नहीं पाए, लड़ने की बजाय डरकर भाग गए। आपने भले ही विवाह कर लिया परंतु इस प्रेम की परीक्षा में आप हार गए। आपको चाहिए था कि आप बार बार अपने माता पिता को मनाने का प्रयास करते और उनके आशीर्वाद के साथ ही विवाह करते। देखिए, आपने प्रेम करके कोई गलती नहीं की, पर जो प्रेम विवाह आपके माता पिता के अपमान का कारण बने वह अनुचित है। दूसरी ओर प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान का विवाह एक योग्य व्यक्ति से हो, इसलिए वो उसका जीवन साथी स्वयं चुनना चाहते हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक है, पर अनुचित तब होता है जब उनकी यह इच्छा उनके अहंकार की पूर्ति का माध्यम बन जाती है। माता पिता को अपनी संतान का प्रेम समझने का प्रयास करना चाहिए। वे चाहते हैं कि उनकी संतान सदा प्रसन्न रहे, पर यदि उसकी प्रसन्नता उसके प्रेम के साथ रहने में है तो उसमें भला गलत ही क्या है? होता ये है कि माता पिता अपनी संतान पर अपनी इच्छाओं और कुछ हद तक अपनी प्रतिष्ठा का दबाव डाल देते हैं और फिर बाद में जब संतान भाग के शादी कर लेती है तो उसे ही दोष देते हैं। उसका दोष अवश्य है, पर सिर्फ उसका नहीं, साथ में उसके माता पिता का भी दोष है। इसलिए ऐसे माता पिता को समझना होगा कि प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। यदि उनकी संतान की प्रसन्नता उसके प्रेम के साथ विवाह करने में है तो माता पिता की प्रसन्नता उनकी संतान की प्रसन्नता में होनी चाहिए। तो सार बस इतना है कि दोनों पक्षों को
एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए, प्रेम से समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए।